ठीक है, तो हम लोग यहाँ पहले सर्वर अपना ऑन किया है, दैट्स इट। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं इसके अंदर कुछ चीजें, मैं आपको बताता हूँ एक बार। इसके अंदर हमारे पास, इसको लॉग इन कर लेता हूँ, ठीक है, पासवर्ड डाल देता हूँ मैं यहाँ पे एंड एंटर करता हूँ इसको। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, हैप्पी आपको याद होगा, कल हम लोगों ने बात करी थी किसकी, इसकी सर्वर मैनेजर, राइट? ठीक है, तो सर्वर मैनेजर यहाँ पे क्या है आपका, सर्वर मैनेजर आपका ऑटोमेटिकल इंस्टॉल हो जाता है आपके सर्वर्स में, एंड देन उसमें उसके थ्रू हम अपने रोल्स को ऐड रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई रोल इंस्टॉल करना है, कोई फीचर इंस्टॉल करना है, तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। ओके, हम लोगों ने कल बात करी थी अदर सर्वर सर्वर्स टू मैनेज की बात करी थी हम लोगों ने, हम यहाँ से बैठ के अपने अदर सर्वर्स ही मैनेज कर सकते हैं, सर्वर्स का ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से बैठ के हम अपने क्लाउड को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, विवेक एक बार लास्ट कल वाली वीडियो देखना, आपको क्लियर हो जाएगा सारा कुछ हमारा। ठीक है, सो नाउ अब हम एक बार आगे जाते हैं थोड़ा सा और। अब देखो इसमें क्या होता है, जब आप सर्वर इंस्टॉल करते हो तो इसके अंदर क्या होता है, मतलब कुछ इनबिल्ट टूल होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आप स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आप यहाँ पे आते हो विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर, ठीक है, ये आपका इनबिल्ट टूल्स है, मतलब ये आपके एडमिन टूल्स हैं जो आपके ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होते हैं जब आप सर्वर इंस्टॉल करते हो। ठीक है, तो देखो इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो ये आपके सारे टूल्स हैं। ठीक है, कंपोनेंट सर्विसेज, कंपोनेंट मैनेजमेंट, कंप्यूटर मैनेजमेंट, डिफ्रेगमेंटेशन, डिस्क क्लीन अप इवेंट व्यूअर, आईएसकेज इनिशिएटर, ठीक है, लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर सर्विसेज, ओके, ओडीबीसी डेटा सोर्स, अजन परफॉर्मेंस मॉनिटर, पेड मैनेजमेंट, रिकवरी ड्राइव, रजिस्ट्री एडिटर। ठीक है, ये आपके सारे के टूल्स हैं जो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं कहाँ पे, आपके सर्वर पे। ठीक है, जब आप सर्वर इंस्टॉल करते हो तो। ओके, नाउ एक चीज और ध्यान रखना, जब आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे हो माइक्रोसॉफ्ट के, चाहे वो आपका सर्वर है, चाहे आपका क्लाइंट है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो वर्क ग्रुप में काम करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे, देखो अभी यहाँ पे अगर मैं ओपन करूँ दिस पीसी को और इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपके पास यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अभी वर्क ग्रुप में काम कर रहा है फिलहाल। ठीक है, अभी मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ, सर्वर पे, देखो दिखा रहा है एडिशन क्या है, विंडोज सर्वर 2019 डेटा सेंटर इवैल्यूएशन, ये आपका एडिशन है सर्वर का जो हम यूज कर रहे हैं 2019 डेटा सेंटर। ठीक है, और ये इवैल्यूएशन मतलब क्या है, ये आपका ट्रायल वर्जन, मतलब ये अभी आपका परचेजेबल नहीं है, ये आपका ट्रायल वर्जन है 90 डेज के लिए। नाउ इसके बाद इसमें 8 GB रैम हमारी यूज हुई है और ये आपका कहां पे काम कर रहा है, वर्क ग्रुप पे काम कर रहा है फिलहाल। देखो लिखा हुआ विंडोज इज नॉट एक्टिवेटेड। ठीक है, तो अभी इसमें कोई लाइसेंस मैंने इंस्टॉल नहीं किया, मतलब मैंने इसको एक्टिवेट नहीं किया, ये हमारा ट्रायल वर्जन पे काम कर रहा है 90 डेज के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई जब हम ट्रायल वर्जन पे काम कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हम कोई सर्विस यूज ना कर पाए, ठीक है, या हम कुछ लिमिटेड सर्विसेज यूज कर पाए, क्योंकि ट्रायल है, तो ऐसा कुछ नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट आपको प्रॉपर फुल फीचर प्रोवाइड करता है ट्रायल के अंदर। ठीक है, अगर आप ट्रायल की बात भी करोगे तो भी आपका सर्वर में आपकी जितनी भी आपके रोल्स हैं इसके अंदर, इसमें आपके 17 to 18 or 20 मैक्सिमम 20 रोल्स होते हैं और 35 to 40 फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो वो आपके आप सारे उन सबको रोल्स को फीचर्स को यूज कर सकते हो। इट डजेंट मैटर कि भाई मुझे सिर्फ मैं लिमिटेड फीचर्स और रोल्स यूज कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो ये आपका फिलहाल मैं आपको क्या बता रहा था कि आपकी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो आपका सर्वर है या क्लाइंट है, बाई डिफॉल्ट वर्क ग्रुप पे काम करता है। अब वर्क ग्रुप आप लोगों को पता है, हैप्पी वर्क ग्रुप के बारे में आइडिया है आपको यहाँ पे? माइक्रोसॉफ्ट का नाम दिया हुआ, माइक्रोसॉफ्ट ने वर्क ग्रुप, बट एक्चुअल में है ये आपका इंट्रा नेटवर्क। इंट्रा मतलब आपके ऑफिस का अंदर का नेटवर्क, इसको आप लैन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो वो आपका वर्क ग्रुप है। ओके, नाउ मैं आपको अब इसमें कुछ वो दिखाया था, जैसे देखो अब कुछ टूल्स जो हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मैं स्टार्ट पे जाऊं और एडमिन टूल्स में विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टूल्स दिखते हैं। ठीक है, अब मैं आपको मेन मेन टूल बताता हूँ जो हम लोग यूज करते हैं आपके सर्वर्स में। ठीक है, एक होता है आपका आईएसकेज इनिशिएटर। ठीक है, आईएसकेज क्या होता है, आईएसकेज आपका प्रोटोकॉल है एज वेल एज आपका ये सर्विसेज है, ये दोनों चीजें हैं।
हम इसको प्रोटोकॉल भी बोल सकते हैं जो आपके सर्वर में काम करता है, और ये आपका सर्विसेज भी है। ठीक है, जब मैं सैन नेटवर्क क्रिएट करता हूँ, ठीक है, तो सैन के थ्रू जब मैं अपने हार्ड अपने स्टोरेज को प्रोवाइड करता हूँ किसी भी पर्टिकुलर सर्वर को, तो हम वहां पे उसको उस स्टोरेज को एक्सेस करने के लिए ISCS इनिशिएटर का यूज होता है। मैंने बताया था आपको कि भाई सैन क्या होता है, सैन आपका एक स्टोरेज नेटवर्क है जहाँ पे हम सेंट्रलाइज स्टोरेज का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब मान लो मेरे पास एक फिजिकल स्टोरेज है, मैंने उसको कनेक्ट कर लिया किसके साथ, अपने सर्वर के साथ। ठीक है, एंड देन वहां से हम, जैसे आपको मैंने आपको कल बताया था, देखो आपको दिखाया था एक बार दोबारा से, उस डायग्राम को लेके चलते हैं एक बार, तो मैंने वो कल बताया था, एक मिनट, वो हमारा डायग्राम यहाँ पे होना चाहिए, ये वाला सैन का, ये वाला देखो, अगर मैं सैन की बात कर रहा हूँ तो सैन आपका ये होता है, मतलब मैंने आपको बताया था एक आपका फिजिकल स्टोरेज है, ठीक है, और मैंने क्या किया आपको सर्वर सर्वर से उसको अटैच किया हुआ है। अब मुझे इस फिजिकल स्टोरेज में से कुछ पार्ट, से कह लो कि कुछ ड्राइव्स या कुछ पार्ट ब्लॉक बना बना के मैंने अपने दूसरे सर्वर्स को प्रोवाइड करना। ऐसे मान लो इस पर 10 TB की स्टोरेज है, अब मुझे 1 TB किसको प्रोवाइड करना है, अपने एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन सर्वर को प्रोवाइड करना है। 1 TB हमारे AD या DA या हमारे डोमेन कंट्रोलर को प्रोवाइड करना है, मतलब मेरे जो AD सर्वर है उसको प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे यहाँ पे, सैन का यूज करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर सर्वर में सैन का फीचर इंस्टॉल कर दूंगा। ठीक है, इसको मैं एज अ सैन सर्वर बना दूंगा, और देन जो मेरा दूसरा सर्वर होगा उसके अंदर क्या होगा, ISCS इनिशिएटर होगा। तो मैं यहाँ से एक स्टोरेज, वर्चुअल स्टोरेज बना के उसको प्रोवाइड कर सकता हूँ। ये हम प्रैक्टिकल करेंगे आगे स्टोरेज पार्ट में। मैं आपको जैसे जैसे एक ओवरव्यू दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो कंसेप्ट यहाँ पे क्या आता है, मैं आपको बताया था, यहाँ पे जो कंसेप्ट आएगा वो इस तरीके से आएगा। देखो, जैसे मान लो ये आपका सैन हो गया, ये आपका स्टोरेज है। ठीक है, यहाँ मान लो आपका एक अलग से दूसरा कोई सर्वर है, एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, ये मेरा कोई मान लो ये मेरा AD सर्वर है, दिस माय AD सर्वर। ठीक है, ये मेरा AD सर्वर है। अब मान लो मुझे इस 10 TB में से मुझे इसको 1 TB प्रोवाइड करना है। ठीक है, मेरे को इसको 1 TB प्रोवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से सैन सर्वर के थ्रू इस फिजिकल स्टोरेज को जो आपका 1 TB है, इसके लिए मैं एक ब्लॉक बना दूंगा। मतलब मैं इसके लिए एक लन क्रिएट करता हूँ, इसको हम बोलते हैं लन, LUN। ठीक है, लॉजिकल यूनिट नंबर बोलते हैं इसको, लन। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से एक 1 TB का ब्लॉक क्रिएट किया। ठीक है, इस AD वाले सर्वर के लिए, एंड देन यहाँ पे जो आपका ISCS इनिशिएटर होगा वो इस 1 TB को एक्सेस करेगा। ये एक आपका ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ मैं, किस तरीके से काम करता है आपका सैम। ठीक है, तो जो ISCS इनिशिएटर है वो क्या करता है, आपके जो भी आपको स्टोरेज मिलती है सैन के थ्रू किसी पर्टिकुलर सर्वर को, ठीक है, वो उस स्टोरेज को एक्सेस करने के लिए होता है। आ समझ में, विवेक और हैप्पी दोनों को क्लियर है? ठीक है, तो जो मैं ब्लॉक बना रहा हूँ उस ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, लन बोलते हैं। जो मैंने अब आपका यहाँ पे जो मैंने 1 TB का स्पेस दिया, इसको इस 1 TB का स्पेस जो मैंने यहाँ से साइन से बनाया, उसको हम क्या बोलेंगे, लन बोलेंगे, लॉजिकल यूनिट नंबर। ठीक है, इस तरीके से तो कंसेप्ट ही आते हैं। तो अगर मुझे इस लन को एक्सेस करना है, मतलब अब जो मैंने यहाँ पे साइन से जो 1 TB बनाया है अपने AD के सर्वर के लिए, अगर मुझे वो एक्सेस करना है तो मैं किसका यूज करूंगा, ISCS का यूज करूंगा, ISCS इनिशिएटर जो मैंने आपको बताया वहां पे। ठीक है, तो यही आपका जो ISCS इनिशिएटर है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये आपका वही काम करता है। देखो, आपको जो आप यहाँ पे दिख रहा है ISCS इनिशिएटर, इसका मेनली काम क्या होता है, इसका मेनली काम यही होता है, ये आपके जो भी आपके मैंने जो सैन के थ्रू इस पर्टिकुलर सर्वर को कुछ स्टोरेज प्रोवाइड की होगी, या मैं इसके थ्रू उस स्टोरेज को एक्सेस कर सकता हूँ, उसको बोलते हैं ISCS इनिशिएटर। ठीक है, एक होता है आपके पास इवेंट व्यूअर, ये भी आपका ऑटोमेटिकल इंस्टॉल होता है आपके सर्वर्स में। ठीक है, इसको बोलते हैं इवेंट व्यूअर। अब ये होता है आपका लॉग्स कंटेन करता है, जैसे मैं अगर आप इसको क्लिक करूं एक बार तो देखो, देखो ये आपके लॉग्स मेंटेन करता है, देखो विंडोज के लॉग्स। अब यहाँ पे आता है आपका एप्लीकेशन लॉग्स। अब एप्लीकेशन लॉग्स मतलब यहाँ पे क्या है कि भाई जैसे मान लो ये देखो, ये आपका एप्लीकेशन लॉग है। अब मान लो आपके कोई भी एप्लीकेशन में एरर आता है, ठीक है, या कोई इन्फॉर्मेशन आती है या कोई वार्निंग आती है, तो हम लोग यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको एरर दिखा रहा है, यहाँ पे कोई एक एप्लीकेशन में सिक्योरिटी एरर आ रहा है कोई यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं एक बार अगर मैं इसको उसकी प्रॉपर्टीज को ओपन करूँ तो मुझे दिखा रहा है कि आपका भाई लाइसेंस का एरर आया है, यहाँ पे लाइसेंस आपका एक्टिवेट नहीं है।
लाइसेंस की जो आपकी जो सर्विसेज है इसको बोलते हैं SLUI.exe, ये आपकी लाइसेंस एक्टिवेशन की सर्विसेज है जो फेल हुई है। क्यों? क्योंकि आपका आपका इस पर्टिकुलर सर्वर पे लाइसेंस आपने एक्टिवेट नहीं किया। सिंपल सी बात है, ऑफ कोर्स मैंने नहीं किया क्योंकि मैं इवैल्यूएशन पीरियड पे काम कर रहा हूँ, मतलब मैं ट्रायल वर्जन पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? तो अगर आपको कोई लॉग देखना है किसी भी तरीके का, ठीक है, चाहे वो आपका एप्लीकेशन लॉग है, ठीक है, या फिर कह लो कि कोई आपका सिक्योरिटी लॉग है, ठीक है, और या कोई सेटअप का लॉग है, जैसे मान लो आपने कोई सॉफ्टवेयर रन किया, अब वो क्रैश कर गया, वो चला नहीं, तो यहाँ पे आप लॉग्स इसके डिफाइन हो जाएंगे। सिस्टम लॉग्स आते हैं आपके पास, सिस्टम मतलब मान लो आपके सर्वर में कुछ इशू आ रहा है, कोई सर्विस फेल हो गई, या कह लो कि कोई हार्डवेयर रिलेटेड फेल्स है, तो आपको यहाँ पे आप चेक कर सकते हो उसको। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एप्लीकेशन में और बहुत सारे आते हैं, सबका हार्डवेयर इवेंट्स आता है। जैसे मान लो भी आपके कोई सर्वर में कोई हार्डवेयर फेल हुआ, ठीक है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ओके, ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट का देखो, आपके बहुत सारे लॉग्स आते हैं। देखो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इसके अंदर विंडोज में जाओगे अगर आप, तो देखो आपके पास बहुत सारे लॉग्स हैं। ये देखो ये आपके सारे लॉग्स हैं, ठीक है, ये आपके सारे फोल्डर्स बने हुए हैं, इनको आप एक्सेस कर सकते हैं। मान लो इसमें आपका अभी इसके अंदर मैंने AD इंस्टॉल नहीं किया हुआ, अगर मैं इसके अंदर AD इंस्टॉल कर लूँ तो AD का भी एक अलग से बन जाएगा। ठीक है, ऑथेंटिकेशन के ऊपर कोई आता कुछ प्रॉब्लम आती है आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, देखो सक्सेसफुल फेल हुआ, यूजर एंड क्लाइंट प्रोटेक्टेड, ठीक है, ये सब चीजें। तो आप यहाँ पे आप ऑडियो का ऑप्शन आ रहा है, देखो आपके पास यहाँ पे कैप्चर मॉनिटर और ऑडियो, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे लॉग्स आते हैं, तो हम इसको मॉनिटर कर सकते हैं आराम से बैठ के यहाँ से। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है आपका इवेंट व्यूअर, आपके सर्वर में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो कौन मेंटेन करेगा, कौन कौन लॉग्स मेंटेन करेगा उस प्रॉब्लम के, इवेंट व्यूअर, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर हमें कोई भी ट्रबल शूटिंग करनी है आपके सर्वर से रिलेटेड, कोई एरर देखना है कि भी एरर क्या आया क्या नहीं आया, ठीक है, एरर का कोड देखना होता है, आपको एरर का कोड देखना जरूरी है। कोड के बेस पे पता चलता है कि भाई इस एरर का क्या मीनिंग है, आप उस कोड को गूगल पे जाके पेस्ट एंड कॉपी पेस्ट कर दो, आपको उस गूगल का करेगा उसको कोड का मीनिंग बता देगा। अब ऐसे मान लो अभी एप्लीकेशन पे मैंने क्लिक किया, अब देखो इसमें ये एरर आपका दिखा रहा है, राइट, अगर मैं इसको ओपन करूं यहाँ पे देखो आपके पास कोड दिखते हैं, अभी तो आपको ये कोड दिखा रहा है, देखा कोड, अगर मैं इस कोड को गूगल पे पेस्ट करूं तो ये मुझे बता देगा इस कोड का मीनिंग क्या। ठीक है, हम ट्रबल शूटिंग ऐसे ही करते हैं अपने सर्वर्स में। ठीक है, आपको नहीं पता होगा हर कोड के बारे में कि वो कोड क्या बताने की कोशिश कर रहा है आपको, तो अगर आपको कोड पता कर रहा है तो आप इस कोड को कॉपी करो और आपके उस पर पेस्ट कर दो गूगल पे, तो आपको इस कोड का मीनिंग बता देगा वो कि ये आपका कोड एरर क्यों आया होगा, इसके पीछे क्या रीजन है। फिलहाल मुझे भी पता है कि भाई आपकी सर्विस रन नहीं है इसलिए वो एरर आया होगा, पर फिर भी आपको ये एरर कोड दे रहा है, ये आपका एरर कोड है पूरा का पूरा, ये पूरा आपका एरर कोड है, आप इसको कॉपी पेस्ट करके इसको सर्च कर सकते हो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन। ये फिक्स कोड होते हैं सारे जितने भी कोड होते हैं, तो ये मतलब एरर वाइज फिक्स होते हैं? हाँ, ये आपके मोस्टली फिक्स होते हैं, एरर के अलग होते हैं, वार्निंग के अलग होते हैं, और हर एरर का आपका डिफरेंट डिफरेंट कोड होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करता है या बनाता है तो उसके इसमें क्या होता है आपके पास ना ये कोड्स ऑटोमेटिकली वो जनरेट कर लेता है। ठीक है, और इसी की इन्फॉर्मेशन वो आपके डॉक्यूमेंट्स में देता है, जो आपके माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं सपोर्ट वाले, या जो माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्स होते हैं, ठीक है, वो आपको सर्च करने पर मिल जाते हैं। तो इसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई हमारे सर्वर में क्या इशू आ रहा है, क्या लूप होल है, एरर ये क्यों आया। ठीक है, ऐसे देखो हर एरर में, ऐसा ये वाला एरर है, इसमें देखो आपको वही दिखा रहा है, आपको कोड दिखा रहा है, देखो सेम कोड मतलब लाइसेंस का इशू है। देखो ये वाला कोड वो वाला कोड सेम था, ये 2EE7, इसमें भी देखो अगर मैं पॉल एरर चेक करूं इसका भी 2EE7 है, देखो मतलब आपका कोड सेम ही है, तो मतलब ये लाइसेंस का कुछ इशू आ रहा है इसके अंदर, लाइसेंस एक्टिवेशन का इशू था ये यहाँ पे, और इससे पहले जो एरर आया बाद में जो एरर आया था वो उसमें क्या था, उसमें आपका एंड यूजर का लाइसेंस फेल्ड हुआ, मतलब वही हम लाइसेंस पे काम नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे इसलिए आपके फेल्ड हो रहे हैं। ठीक है, देखो ये आपके सारे लाइसेंस के इशू आ रहे हैं। आपने विंडोज को एक्टिवेट नहीं किया तो कोड सेम है, तो लाइसेंस का इशू ना इसलिए कोड सेम है। ठीक है, वो वाला कंसेप्ट है। अब देखो आप इसमें और क्या देख सकते हो कि देखो इसमें आपका दिखा रहा है लॉगिन नेम क्या है उसका। ठीक है, ये क्या आपका सोर्स क्या है, सिक्योरिटी है, मतलब सिक्योरिटी रिलेटेड कोई इशू है आपका, लॉग्ड का वो है इशू आपको बता रहा है, देखो डेट बता रहा है और आपका टाइम बता रहा है। ठीक है, कैटेगरी क्या है इसकी और कंप्यूटर का नाम क्या, मतलब के सर्वर का नाम क्या। ठीक है, तो हम इसको मॉनिटर कर सकते हैं कि भी हमारा ये कब आया था इशू।
8:09 पे आया ये इशू। मैंने अभी जस्ट अपना सर्वर ऑन किया तो 8:09 पे इशू आया ये। अब देखो ये आपको यहाँ पे ये जो ये वाला जो एरर आया था कब आया था ये आपको दिखा रहा है, देखो 8:09 पे एरर आया ये भी। ठीक है, जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन हुआ जैसे उसको लाइसेंस नहीं मिला उसने एरर थ्रो करने शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये एरर कौन कंटेन कर रहा है आपका। अब आप अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे को इन एरर्स को वो करना है, खत्म करना है, मान लो क्लियर करने हैं लॉग्स, तो मैं यहाँ पे लॉग्स को क्लियर भी कर सकता हूँ। ठीक है, आप चाहते हो कि मेरे को ये जो मेरे एरर्स मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं, ये जो मेरे को लॉग्स दिख रहे हैं सारे के सारे, मुझे इनको क्लियर करना है, तो क्लियर करने के लिए यहाँ पे क्या है ऑप्शन है क्लियर लॉग्स, आप वो भी कर सकते हो। आपको इन एरर्स को सेव करना है तो आप सेव भी कर सकते हो, सेव ऑल इवेंट्स, मतलब सिर्फ एरर नहीं ऑल इवेंट्स। आपको फिल्टर करना है, मान लो मुझे सिर्फ एरर एरर देखने हैं तो आप करोगे फिल्टर करोगे यहाँ पे, ठीक है मेरे को सिर्फ एरर देखने हैं, दैट्स इट, आई वांट टू सी ओनली एरर्स, और इसको कर दो ओके। तो देखो मेरे को सिर्फ एरर दिखा रहा है, पहले मुझे वार्निंग्स भी दिखा, पहले मुझे इन्फॉर्मेशन भी दिखा रहा था और वार्निंग्स भी दिखाता, अभी वार्निंग कोई थी मेरे को दिखाया नहीं उसने, इन्फॉर्मेशन भी दिखा रहा था। अगर मुझे सिर्फ एरर एरर देखने हैं तो मैं यहाँ पे फिल्टर भी कर सकता हूँ यहाँ से, तो अभी तक मेरे को टिल नाउ 14 एरर्स आया है। आप इसको फिल्टर भी कर सकते हो। हैप्पी, समझ में आ रहा है, क्लियर है? ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखो इसमें आपको एक आपको क्या दिखा रहा है, आपको कस्टम यूज में दिखा रहा है रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज का। अब देखो आपको दिखा रहा है सर्वर रोल्स के अंदर रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज, अगर कोई आपकी टर्मिनल सर्विसेज रन कर रही है या रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज रन कर रही है तो उसके अंदर कोई एरर आ रहा है तो आपको दिखाएगा यहाँ पे, भी कोई फिलहाल कोई एरर नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मुझे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव इवेंट्स में अगर आप क्लिक करते हो तो ये आपके वो एरर्स हो गए जो आपके वार्निंग्स और एरर्स आपके वो हो गए, वो आपकी वो हो गए जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर जो जो आपकी सर्विसेज है उसके रेड एरर। तो मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो देखो अभी आपको दिखा रहा है, वही आपका लाइसेंस वाला एरर दिखा रहा है। तो ये आपके कौन से एरर्स हैं जो आपकी सर्वर की सर्विसेज हैं जो रन नहीं हो रही हैं या जिनमें एरर्स आ रहे हैं, ठीक है वो उनकी बात करेगा। ठीक है, देखो अभी वार्निंग आई हुई है, कोई अभी वार्निंग आई हुई है कि भाई आपका विंडोज का कोई मेटाडाटा विद इंटरनेट सर्विस मतलब विंस का इशू आया हुआ इसके अंदर, कोई नॉट विंस इशू नहीं है मतलब एस्टैब्लिश नहीं हुआ, क्योंकि मैं इस सर्विस पे काम नहीं कर रहा हूँ अभी, इसलिए इसका कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको दिखाता है, वार्निंग दिखाएगा, एरर दिखाएगा। ठीक है, ये सब चीजें, और ये आपको सिर्फ यहाँ पे नहीं दिखाएगा, अगर आपको मॉनिटर करना है सब चीजें तो आप वहां भी कर सकते हो सर्वर मैनेजर में। देखो अगर मैं अपना सर्वर मैनेजर ओपन करूँ एक बार, इसको क्लोज करते हैं इवेंट को, मैं अभी यहाँ पे आऊँ स्टार्ट पे और अपना सर्वर मैनेजर ओपन करता हूँ तो देखो मुझे ये चीजें यहाँ भी दिखाता है। देखो आप नीचे आ जाओ यहाँ पे, देखो लोकल सर्वर, ठीक है अब देखो नीचे आ जाओ, ये देखो ये आपको दिखा रहे हैं जो सर्विसेज कौन कौन सी रन कर रही है, उसको कर लो। देखो ये आपकी सारी इवेंट्स है, नीचे आपको दिखा रहा है, देखो ये सारे दिखा रहा है एरर इवेंट्स। ठीक है, ये वही चीज दिखा रहा है आपको यहाँ पे, जो मैंने आपको वहां पे दिखाया, देखो ये दिखा रहा है आपको इवेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ भी आपको इवेंट्स दिखाता है, कहाँ पे आपके सर्वर मैनेजर में। आप क्या करोगे, कहाँ जाओगे, सिंपल सर्वर मैनेजर ओपन करोगे, लोकल सर्वर पे जाओगे, लोकल सर्वर मतलब ये वाला सर्वर जिसमें मैं प्रेजेंटली काम कर रहा हूँ, तो मेरा लोकल सर्वर है। अब मैं इसको नीचे जाऊंगा यहाँ पे, तो यहाँ मुझे देखो इवेंट्स में दिखा रहा है, आप इसको ओपन कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, ओपन ऑफ वहीं से होंगे, आप इसको कॉपी कर सकते हो सिंपल, यहाँ से आपके ओपन नहीं होंगे, ओपन आपके इवेंट व्यूअर से ओपन होंगे। ठीक है, तो आपको देखो दिखा रहा है, आप क्लिक कर रहे हो एरर पे तो आपको नीचे इसको डिटेल दिखा रहा है, देखो नीचे कि भाई ये एरर क्यों आया। ठीक है, ये आपको क्लिक करते हो देखो डिटेल दिखा रहा है नीचे आपके पास, वार्निंग आई है, कोई भी क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखा देगा डीएनएस की वार्निंग, वार्निंग आई हुई है, क्योंकि इस टाइम पे मेरा डीएनएस काम, मैं डीएनएस यूज नहीं कर रहा हूँ, इससे मुझे दिखा रहा है कि आपका रेजोल्यूशन नहीं हो पा रहा, सिंपल सी बात, लेकिन मैं डीएनएस अभी यूज नहीं कर रहा हूँ, मैंने डीएनएस कन्फिगर नहीं किया हुआ इस पर्टिकुलर सर्वर में। ठीक है, इस तरीके से आ रहा समझ में। अब देखो नीचे आपको सर्विसेज दिखा रहा है, कौन कौन सर्विस आपकी रन कर रही है इस पर्टिकुलर सर्वर पे, तो हम यहाँ पे यहाँ से बैठ कर भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इवेंट व्यूअर पे नहीं देखना, आपको लेटेस्ट एरर देखने हैं अपने सर्वर्स के कि क्या क्या एरर आ रहे हैं, देखो आपको टाइम और डेट भी दिखा रहा है, कब टाइका वो आपका एरर लॉग हुआ है, कब आया आपका एरर ये। ठीक है, तो आप यहाँ से बैठ के भी देख सकते हो, चीज जरूरी नहीं है कि आपको इवेंट व्यूअर पे लॉग इन करना, आप यहाँ से बैठ के भी अपने मैनेजर पे बैठ के भी यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं आ गया, क्लियर है?
ओके यहाँ तक ठीक है। नाउ इसके बाद थोड़ा सा और आगे आते हैं। ओके अब देखो यहाँ पे आपके पास इसके अलावा जो मैं आपको अभी मेजर मेजर टूल्स बता रहा हूँ जो हम यूज करते हैं मोस्टली, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया इवेंट व्यूअर, आईएसकेसी इनिशिएटर का बता दिया, ठीक है। बाकी ये आपका माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर सर्विसेज है। अगर मान लो आपने क्या किया हुआ है, अब मेरे को मान लो इस पर्टिकुलर सर्वर से बैठ के मुझे एज़्योर को एक्सेस करना है, ठीक है, या एज़्योर को मैनेज करना है, तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। इसके लिए मुझे पहले सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा एज़्योर पर, ठीक है। तो अगर मान लो मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर सर्विसेज को, तो देखो मुझे यहाँ पे ये ओपन करने का बोल रहा है इंटरनेट एक्सप्लोरर पे। ओके ये देखो ये आपका क्या करेगा, ओपन कर देगा ऐसे और को ऐसे, ठीक है। क्रोम डाल सकते हो आप यहाँ पे, क्योंकि एक्सप्लोरर आपका प्रॉब्लम करता है, ठीक है। अभी मेरे पास इंटरनेट नहीं है तो इसलिए इसने ओपन नहीं किया। तो अगर मान लो आपने माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर पे क्लिक किया तो ये आपको यहाँ पे एज़्योर का पोर्टल ओपन कर देगा। आप यहाँ से बैठ के भी अपने एज़्योर को मैनेज कर सकते हो। मतलब आप ऐसा भी कर सकते हो कि भाई मान लो मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने यहाँ से मतलब मान लो मेरे को मेरे सर्वर को एज़्योर पे लेके जाना है, तो मैं यहाँ पे माइग्रेशन, ठीक है, अपग्रेडेशन वो सब चीजें कर सकता हूँ यहाँ से बैठ के। बट इसके लिए मुझे सब्सक्रिप्शन चाहिए होगा पहले एज़्योर पर, ठीक है। वो आप पेड लेते हो फ्री लेते हो इट्स अप टू यू, तो आप फ्री पे भी काम कर सकते हो। बट आपके लिए क्या क्या होना चाहिए, उसके लिए पहले आपको डोमेन आपका परचेजेबल होना चाहिए, क्योंकि मुझे पहले अपने डोमेन को एज़्योर पे रजिस्टर करना पड़ता है, उसके बाद ही मैं एज़्योर को एक्सेस कर सकता हूँ। आ समझ में? वरना बाय डिफॉल्ट एज़्योर पे क्या होता है, वो डिफॉल्ट डोमेन का यूज करता है, ठीक है। ऐसे मान लो मेरी कंपनी में मैंने डोमेन का यूज कर रहा हूँ abc.com मान के चलो, ठीक है। तो अब जो abc.com है पहले मुझे उसको रजिस्टर करना पड़ेगा एज़्योर पे भी, और आपका abc.com परचेजेबल होना चाहिए, ठीक है। ओके तो वो जब आप करोगे आपका रजिस्टर होगा abc.com एज़्योर पे, देन उसके बाद जब वो वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद मैं अपने सर्वर से बैठ के एज़्योर को एक्सेस और मैनेज कर सकता हूँ। मतलब अपने सर्वर को भी माइग्रेट कर सकता हूँ एज़्योर पर, मतलब ऑन प्रीमिसेस टू क्लाउड ऐसा कुछ, ठीक है। बट उसके लिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है मेरे पास, मेरे को पेड डोमेन चाहिए, मतलब मुझे परचेजेबल डोमेन चाहिए, ठीक है। क्योंकि परचेजेबल डोमेन में क्या होता है, आपको उसके साथ पब्लिक आईपी एड्रेस मिल जाता है, और वो पब्लिक आईपी एड्रेस के कुछ रिकॉर्ड्स बनते हैं आपके, ठीक है। तो वो रिकॉर्ड्स आपको डीएनएस के अंदर बनाने होते हैं, पब्लिक डीएनएस, ठीक है। वो हम बात करेंगे आगे जब आप अपना एज़्योर आईडी का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, तो कॉन्सेप्ट ये आता है। बाकी इसके अंदर एक आता है सिक्योरिटी का, विंडो सिक्योरिटी, ये आपकी सिक्योरिटी है सर्वर की। अब इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे तो आपको ये इनबिल्ट सिक्योरिटी मिलती है यहाँ पे, देखो ये देखो ये आपकी सिक्योरिटी है, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलता है, वायरस प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है, जो आपको इनबिल्ट दे रहा है आपको सर्वर, ठीक है। हम 2019 सर्वर की बात कर रहे हैं, जिस पर क्लिक करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे देखो आपको दिखा रहे हैं कि आपको इसने एक ऑटोमेटिकली आपको एक थ्रेट प्रोटेक्शन दिया हुआ है वायरस के लिए, ठीक है। तो आप उसको स्कैन कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, स्कैन कर सकते हो उसको, कोई मैनेज सेटिंग्स करना हो आपने वो सब चीज़ यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। रैंसम वेयर प्रोटेक्शन में दे रहा है देखो आपको यहाँ पे, पता है रैंसम वेयर क्या होता है, ये भी आपका एक टाइप ऑफ वायरस है, ठीक है। ओके तो अगर आपके पास आपको अगर आपने कोई इंस्टॉल नहीं किया हुआ अपने सर्वर पे कोई एंटी वायरस एंड ऑल, तो आप इसका यूज कर सकते हो, ओके ये बाय डिफॉल्ट है। नाउ इसके बाद एक बार क्लिक करो होम पे, देन उसके बाद फायरवॉल का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, ठीक है। फायरवॉल तो आपको विंडोज क्लाइंट पे ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि मेरे को फायरवॉल ऑन ऑफ करना है तो हम कर सकते हैं यहाँ से बैठ के, ठीक है। इसके अलावा आपको एक नेटवर्क प्रोटेक्शन की भी देता है, ये आपको वही फायरवॉल हो गया, फायरवॉल का मिस मोस्टली कंसेप्ट दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओके होम पे आते हैं दोबारा से, यहाँ पे आएगा आपके पास ऐप और ब्राउजर कंट्रोल, ये आपका बहुत चीज सर्विस है जो आपको दे रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे मान लो कोई मेरे सर्वर पे ऐप इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो वो मुझे पहले वार्निंग दे, ठीक है, या मैं ब्लॉक भी कर सकता हूँ, सिंपल इज दैट। या एक चीज और भी है इसके अंदर कि मान लो आपकी आपने आपकी कोई ऐप है, ठीक है, जो विंडोज डिफेंडर ने चेक किया, ठीक है, और उसको अनऑथराइज अनरिकॉग्नाइज ऐप बोल रहा है, या कह लो कि कोई अनऑथराइज ऐप है या कोई अनरिकॉग्नाइज ऐप दे बोल रहा है ये, तो आपको पहले वार्निंग दे उस ऐप को सीधा ब्लॉक कर दे, ये भी कर सकते हो आप यहाँ से। तो बाय डिफॉल्ट क्या वार्निंग ऑप्शन दिखा रहा है आपको, ठीक है। मान लो आपने कोई ऐप इंस्टॉल करी हुई अपने सर्वर पे, ठीक है, अब क्या किया विंडोज डिफेंडर ने स्कैन किया आपके सर्वर को और उसने चेक किया ये भाई उसको मिला कि भाई ये जो ऐप है वो आपकी अनरिकॉग्नाइज्ड ऐप है, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, तो वो आपको वार्निंग दे देगा। अब बाकी आपकी मर्जी, आपने उसको ऐप को रन करना है या नहीं करना, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपके
कुछ कुछ ऐप और ब्राउजर कंट्रोल्स हैं हमारे पास, हम कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे बैठ के, ठीक है, कि कौन सी ऐप आपकी चलनी चाहिए, कौन सी नहीं चलनी चाहिए, कौन सी ब्लॉक करनी है, वो सब चीजें आप कर सकते हैं यहाँ से। और डिवाइस सिक्योरिटी का ऑप्शन आ रहा है आपका, देखो इसके ऊपर, ठीक है। ये आपका डिवाइस सिक्योरिटी मतलब यहाँ पे क्या है कि ये आपका मोस्टली हार्डवेयर सिक्योर कर रहा है आपका, ठीक है। अब देखो ये आपका वर्चुअलाइजेशन बेस्ड सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, ये क्या करेगा आपके डिवाइस के पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे सीपीयू हो गया, ठीक है, रैम हो गया, ठीक है, इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे कोई इश्यू आता है, कोई एरर आता है तो यहाँ पे आपको विजिबल करेगा, ठीक है। तो ये आपका कुछ चीज, देखो ये आपकी मेमोरी इंटीग्रिटी का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे इसको ऑन ऑफ कर सकते हो आप। अगर मान लो किसी ने आपके सर्वर की मेमोरी पर अटैक किया, ठीक है, तो आप उसको यहाँ से ऑन कर सकते हो, ऑन करोगे तो वो स्कैन कर लेगा। मान लो कोई ऐसा डेटा आ गया आपके सर्वर पे इंटरनेट के थ्रू या कोई बाहर के थ्रू जो हार्मफुल है, ठीक है, जो आपके सर्वर पे अटैक कर सकता है उसकी मेमोरी पे, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको ऑन कर सकते हैं, तो वो प्रिवेंट करेगा उन अटैक्स, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक ये चारों चीजें, ठीक है। तो ये आपका इनबिल्ट विंडो सिक्योरिटी का ऑप्शन आता है आपके सर्वर्स के अंदर, ठीक है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं आपके इनबिल्ट टूल्स जो आपको सर्वर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका पावर शेल, ठीक है। पावर शेल में दो टूल्स होते हैं, एक तो आपका सिंपल विंडोज पावर शेल है, ठीक है, एक होता है आपका पावर शेल ISE। अब देखो पहले चीज पावर शेल होता क्या, पावर शेल आपका ऑटोमेशन टूल है। अब ऑटोमेशन का आइडिया आप लोगों को, ऑटोमेशन क्या होता है, मतलब कुछ आइडिया ऑटोमेशन के बारे में? हाँ जी सर, कमांड बेस्ड, लाइक जैसे हम कोई इंटरफेस यूज करते हैं, कोई सर्विस करने के लिए उसकी जगह हम कमांड्स यूज करते हैं। हाँ, तो ऑटोमेशन का मतलब ये है कि भाई अगर आपने बल्क में टास्क करने हैं, मान लो मुझे अपने सर्वर पे 100 यूजर्स क्रिएट करने हैं एक बार में, ठीक है, एक ही बार में मुझे करना है 100 यूजर्स क्रिएट करने हैं, या मुझे कोई टास्क शेड्यूल करना है, ठीक है, या मुझे तीन चार टास्क इकट्ठे शेड्यूल करने हैं, तो उसको बोलते हैं ऑटोमेशन, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो विंडोज पावर शेल की आपका, अगर मैं इसको क्लिक करूं, देखो यहां से इस पर राइट क्लिक करते हैं, पहले इसको करते हैं मोर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो ये आपका विंडोज पावर शेल ओपन होता है, देखो ये आपका विंडोज पावर शेल है, एक कमांड लाइन टूल है, ठीक है। अब इसके थ्रू आप ऑटोमेशन भी कर सकते हो, ठीक है। ऑटोमेशन मतलब अगर आप चाहते हो कि मेरे को बल्क में यूजर्स क्रिएट करने हैं, कोई स्क्रिप्ट रन करनी है, तो मैं यहां से बैठे कर सकता हूं, ठीक है। ये हो गया एक होता है आपका ISE के नाम से, देखो ये होता है आपका ISE के नाम से। अब ISE के आपका ISE भी आपका पावर शेल का टूल है, लेकिन ये प्रोग्राम रन करने के लिए होता है। आप लोग देखते हो जो आपके डेवलपर्स होते हैं वो आपके जावा पाइथन में या C++ में प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं, राइट, ऐप क्रिएट करते हैं। अब मान लो मुझे कोई स्क्रिप्ट बनानी है, मान लो, ठीक है, मैं क्या स्क्रिप्ट बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई जैसे ही मेरा कोई भी यूजर लॉग इन करे हमारे नेटवर्क में, ठीक है, उसको एक मैसेज मिले, ठीक है, मुझे इस तरीके से कोई स्क्रिप्ट बनानी है, ठीक है, या मुझे स्क्रिप्ट बनानी है कि भाई मैं 100 यूजर्स या 200 यूजर्स मतलब एक साथ क्रिएट कर सकूं, ठीक है। तो अगर मुझे कोई स्क्रिप्ट क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ पे कर जाता हूँ, इसको मैं एक बार ओपन करता हूँ, सेम मोर पर जाओगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और देखो ये आपका इस तरीके से ओपन होता है, देखो ये देख रहे हो, ये आपकी स्क्रिप्ट रन करने के लिए होता है। देखो यहाँ पे आपको, देखो यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है मॉड्यूल्स, और यहाँ पे आप स्क्रिप्ट लिख सकते हो, ठीक है, लिखने के लिए एक आपका आता है ऑप्शन और भी आता है इसके अंदर, ये देखो ये हो गया आपका स्क्रिप्ट का, देख रहे हो ये स्क्रिप्टिंग है, यहाँ पे आप स्क्रिप्ट रखो, ठीक है, मतलब जो भी आपने स्क्रिप्ट रन करनी है वो यहाँ पे लिखो, एंड देन उसको यहाँ पे रन कर दो, यहाँ पे देखो रन का ऑप्शन आ रहा है, ये रन स्क्रिप्ट, ठीक है, या कोई प्रोग्राम आपने लिखना है वो लिखो और इसको रन कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके सी सी प्लस प्लस समथिंग अबाउट पाइथन वगैरह के प्रोग्राम्स रन कर ले हम यहाँ पे अपने आपको अगर स्क्रिप्ट क्रिएट करनी है पावर शेल के थ्रू, उसको रन करना है, उसको टेस्ट करना है, तो हम उसको इसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे आपका पावर शेल ISE का। आया समझ में? देखो इसमें डीबग का ऑप्शन भी दिखा रहा है आपको, डीबग मतलब ये आपको चेक कर लेगा आपका आपका स्क्रिप्ट कि भाई इसमें कुछ एरर तो नहीं है। जैसे अगर आप लोगों ने कभी प्रोग्रामर्स को देखा होगा, ठीक है, वो प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो डीबग करते रहते हैं, ताकि जो उन्होंने प्रोग्राम लिखा है जो रन कर रहे हैं उसमें कुछ एरर तो नहीं है, डीबग
होता है प्रोग्राम के एरर्स को चेक करने के। ठीक है, वैसे हम यहाँ पे डीबग कर सकते हैं भाई, हमारा जब डीबग करोगे तो आपको स्क्रिप्ट में कुछ एरर वगैरह आपको करने में दिखा देगा। ठीक है, सिंगल कीज से चेक कर सकते हैं। हाँ जी, डायरेक्टली वो हम सिंगल कीज से चेक कर सकते हैं। हाँ हाँ, आप क्या करो इसको बताओ, इस पहले हमने स्क्रिप्ट लिख लिया यहाँ पे मान लो, ठीक है, उसको यहाँ पे वहाँ पे डीबग कर लो। देखो यहाँ पे डीबग का ऑप्शन दिखा रहा हूँ आपको यहाँ बहुत सारे। ठीक है, तो आप क्लिक करो स्टेप ओवर या जो भी आप डीबग करना चाहते हो, यहाँ पे डीबग करोगे तो आपको यहाँ पे एरर्स दिखा देगा जो भी आपके एरर होंगे। ठीक है, या प्रोग्राम को यहाँ पे रन करोगे तो आपको रन पे यहाँ पे दिखा देगा एरर्स कुछ जो भी आपके एरर्स, जो आप स्क्रिप्ट रन कर रहे हो वो चली प्रॉपर नहीं चली वो आपको वहाँ पे पावर दिखा कुछ जो दिखा। ठीक है, टेस्टिंग टेस्टिंग कहाँ पे होगी आपकी, यहाँ मान लो आपने स्क्रिप्ट लिखी व्हाइट वाले एरिया में और जो ब्लू वाला एरिया है यहाँ पे वो रन करके देखेगा उसको, अगर वो रन हो गई तो आपको उसका रिजल्ट दिखा देगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको, ये जो पावर सेल वाले जो टूल्स है ये आपको पावर सेल वाले टूल्स 2008 से मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आज आज से आ रहे हो, 2008 12 में भी था ये आपका आईएससी के नाम से जो टूल। ठीक है, पावर सेल आपका इनबिल्ट आता है, अब इवन अब तो आप सर्वर में क्या, तो क्लाइंट से भी आ रहा है आपका पावर सेल, विंडोज 7 में आपको पावर सेल है, विंडोज 10 में भी पावर सेल है, विंडोज 11 में पावर सेल है। ठीक है, तो आप पावर सेल का यूज कर सकते हो। ठीक है, ये पावरफुल टूल है ऑटोमेशन के लिए। ओके, तो ये आप यहाँ पे आप पावर शेल का आपको एक अलग से फोटो बना कर दिया हुआ है। ठीक है, विंडोज ईज ऑफ एक्सेस, तो ये आपका वही मैग्नीफायर, नरेटर, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, विंडोज स्पीच रिकॉग्निशन, ये सिंपल बेसिक टूल्स जो आपके आपको क्लाइंट में दिखते हैं। ठीक है, नाउ विंडोज एक्सेसरीज में वही सेम सेम जो सिंपल बेसिक टूल्स होते हैं, जैसे कैलकुलेटर हो गया, कैक्टर हो गया, ठीक है, नोट पैड हो गया, पेंट हो गया, ये सब चीजें आपकी वही, वर्ड पैड हो गया, विंडोज सर्वर बैकअप का ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको विंडोज सर्वर बैकअप करनी है, अगर आपको अपने सर्वर पे बैकअप करना है तो आपको यह टूल दिखा रहा है, इनबिल्ट है, लेकिन इसके लिए मुझे पहले रोल इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर मैं इसको चलाऊंगा ना, मान लो मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये मुझे दिखाएगा कि भाई आपको पहले यह करना पड़ेगा, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा टूल। देखो यहाँ मुझे बैकअप का ऑप्शन नहीं दे रहा है, देखो ये कह रहा है, देखो यू नीड टू फर्स्ट इंस्टॉल विंडोज सर्वर बैकअप फ्रॉम सर्वर मैनेजर, Select add roles and features and follow the wizard to select the Windows Server Backup feature. तो मुझे Windows Server Backup feature पहले install करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं इस tool का use कर सकूँ। वो tool आपको दे दिया inbuilt, लेकिन आपको उसके पीछे पहले वो feature install करना पड़ेगा। वो आपका inbuilt सिर्फ tool है, हम इसको use नहीं कर सकते अभी, जब तक मैं उस feature को install ना करूँ। ठीक है, feature हमें कहाँ मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आओगे अपने सर्वर मैनेजर पे, एंड देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे हो गया, आपको एड रोल्स एंड फीचर्स पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपका फीचर्स पे आता, देखो ये आपका आ गया, ये आपके आगे, ये आपके सर्वर का नाम, उसका आईपी एड्रेस, एंड ये आपका रोल्स आ गए, दीज आर द रोल्स। इसको स्किप कर दो, फीचर्स में आएंगे हम, ये फीचर्स आ गए आपके, नेक्स्ट करके फीचर्स दिए मैंने यहाँ पे, देखो नीचे दिखाएगा आपको विंडोज सर्वर, विंडोज सर्वर बैकअप ये। ठीक है, ये मुझे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं उस टूल के थ्रू अपने सर्वर पे बैकअप भेज। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ओके, तो ये कॉन्सेप्ट, ये वाले जो जो आपको रोल्स दिख रहे हैं, रोल्स एंड फीचर्स, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सर्वर में। ठीक है, अगर आपको कोई सर्वर में कुछ इंस्टॉल करना है, कुछ रिमूव करना है, तो हम यहीं से यूज करेंगे, फीचर्स में आपको दिखा रहा है, एंड एज इट इज ऐसे आपके रोल्स दिखा रहा है आपको। ठीक है, तो ये आपके कंसेप्ट रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, नाउ एक और चीज में देख लेते हैं हम लोग, विंडो सिस्टम में तो सिंपल आपके विंडो से बेसिक बेसिक कमांड्स, वही कमांड प्रॉम्प्ट, कंट्रोल पैनल, फाइल्स, फाइल एक्सप्लोरर, रन, टास्क मैनेजर, दिस पीसी, विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स। सो ये आपके वही जो डिफॉल्ट आपके टूल्स हैं छोटे छोटे, जैसे कमांड प्रॉम्प्ट पर ओपन करना है, कंट्रोल पर ओपन करना है, तो यहाँ से भी कर सकते हो विंडो सिस्टम से। ठीक है, ओके, तो नाउ इसके अंदर आपको, ठीक है, तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, हमारे जो टूल्स है तो हम जो यूज करते हैं मोस्टली वो हम यहाँ से करते हैं, विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स। आपको ने बता दिया सर्वर मैनेजर के बारे में, ठीक है, विवेक का लास्ट वीडियो देखना, आपको मैनेजर के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इसमें आपका आईएसकेस इनिशिएटर, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर सर्विसेज, ओके, और इसके बाद इवेंट व्यूअर, ये आपके कुछ टूल्स हैं। एक आपका परफॉर्मेंस मॉनिटर भी आता है यहाँ पे, ठीक है, अगर आपको अपने सर्वर की मॉनिटरिंग करनी है
हम यहाँ से यूज कर सकते हैं परफॉर्मेंस पॉइंटर रिसोर्स पॉइंटर, ये दो टूल है जो आपके इनबिल्ट है। देखिए मैंने इंस्टॉल नहीं किया कि ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हुआ जब जब सर्वर 2019 आपका इंस्टॉल हुआ, ठीक है। एंड देन ये आपका रजिस्ट्री एडिटर, अगर आपको रजिस्ट्री में कुछ कुछ मॉडिफाई करना है सर्वर की तो यहाँ पे आपको मिल रहा है रजिस्ट्री एडिटर, ये आपका मेन टूल है सर्विसेज के नाम से। इस पर क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे आपको सारी सर्विसेज का ऑप्शन दिखाएगा। देखो स्टैंडर्ड पे क्लिक कर लो, देखो ये आपकी सारी सर्विसेज है जो आप यूज करते हो, जो आप यूज कर रहे हैं मतलब जो आपका सर्वर यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखो कुछ आपकी स्टॉप है कुछ आपकी रनिंग है, तो कुछ डिफॉल्ट सर्विसेज होती हैं जो आपकी रन होती है, ठीक है। अगर आपको कोई सर्विस को स्टार्ट स्टॉप करना है तो आप कर सकते हैं, अंडरस्टैंड दिस एज वेल, ठीक है। मान लो मुझे इस वाले सर्विस को स्टार्ट स्टॉप करना है, मैं राइट क्लिक करूंगा, देखो इसमें ऑप्शन आएगा प्रॉपर्टीज में जाकर, इसमें ये आपकी सर्विस स्टार्ट स्टॉप नहीं हो सकती। अब जैसे मान लो मुझे ये वाली करनी है, ठीक है, तो इसमें देखो स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है, प्रॉपर्टीज में जाओ उसकी एक बार, तो यहाँ पे देखो आपको मैनुअल ऑटोमेटिक का ऑप्शन दिखाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक मैनुअल डिसेबल ये आपका ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे इसको आप स्टार्ट कर सकते हो मैनुअली भी इफ यू वॉन्ट, ठीक है। तो ये आपकी बिट्स नाम से सर्विसेज होती है, ये आपकी नेटवर्क बैंडविड्थ को काम करती है यूजिंग आइडल नेटवर्क बैंडविड्थ, ठीक है, बिट्स। तो ये आपकी किस पे काम करती है, ये आपकी काम करती है नेटवर्क बैंडविड्थ पे, अगर आपकी बैंडविड्थ आइडल है तो उसको यूज कर लेती है। तो मतलब ऐसी बहुत सारी सर्विसेज होती है आपके पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको सारा दिखा रहा है कि ये सारी सर्विसेज आप यूज कर रहे हैं, आपका बाय डिफॉल्ट आपका सर्वर यूज कर रहा है, कुछ ऑटोमेटिक है कुछ मैनुअल है, ठीक है, इस तरीके से। देखो आपकी नेटवर्क की सारी सर्विसेज है, ये नेटवर्क की सर्विस सारी की सारी, ये आपकी शेयरिंग की सर्विस है, ठीक है, नेट लॉग ऑन आपकी, ये आपकी सर्विसेज नेट लॉग ऑन की, ठीक है, अगर आप लॉग इन वगैरह कर रहे हो तो नेट लॉग ऑन और वर्क स्टेशन का यूज होता है यहाँ पे नीचे आपके, देखो एक सर्विस होती है लास्ट में वर्क स्टेशन। तो फिलहाल अभी हम वर्क स्टेशन का यूज कर रहे हैं फॉर रिमोट एक्सेस, ठीक है। अगर आप रिमोटली एक्सेस कर रहे हो अपने सर्वर को या आप कोई शेयरिंग कर रहे हो अपने नेटवर्क में तो बाय डिफॉल्ट आपकी वर्क स्टेशन का सर्विस, ठीक है। तो देखो ये आपकी स्टार्ट है अभी। अब मान लो हमें आप इश्यूज कहाँ पे आते हैं, मान लो कोई आपकी सर्विसेज क्या होगी स्टॉप होगी, एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो चलो मैं वर्क सेशन की मान लेता हूँ, मान लो क्या होगा सर्विस सडनली स्टॉप होगी, ठीक है। तो इसे आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसकी प्रॉपर्टीज में जाओ, देखो एक बार देखो ये दिखाएगा आपको यहाँ पे लॉग्स ऑन, पहले चीज कि आपने किस पर्टिकुलर अकाउंट से लॉग इन किया हुआ है, ठीक है। जनरल पे जाओगे तो आपको दिखा देगा कि आपकी सर्विस का टाइप क्या, ऑटोमेटिक है ये या मैनुअल है, ठीक है, आपने डिसेबल की हुई है, यहाँ से आप स्टार्ट करने की कोशिश कर सकते हो इसको, अगर वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गई है तो, अगर वो नहीं होती स्टार्ट मान के चलो तो इसमें एक ऑप्शन आता है डिपेंडेंसीज का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है डिपेंडेंसीज, आपकी सर्विस जो आपकी वर्क सेशन की जो सर्विस है वो किस पर्टिकुलर और सर्विस पर डिपेंडेंट है, इसको बोलते हैं डिपेंडेंसीज, ठीक है। तो मान लो वर्क स्टेशन की सर्विसेज क्या कंटेन कर रही है, ये सारे कंपोनेंट्स कंटेन कर रही है, ठीक है, और ये दो सर्विसेज पे डिपेंडेंट है, नेट लॉग ऑन और रिमोट डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपकी दो सर्विसेज स्टार्ट नहीं है, ठीक है, तो आपकी वर्क स्टेशन की सर्विसेज भी स्टार्ट नहीं होगी। हाँ समझ में, दोबारा बताऊं, एक बार दोबारा सुन लो इफ यू वांट। हर सर्विसेज में क्या होता है उसकी डिपेंडेंसीज होती है, मतलब आपकी कोई भी सर्विसेज जो रन कर रही है सर्वर पे वो सर्विसेज किसी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अगर मान लो इसे वर्क स्टेशन की सर्विसेज है, ओके, अब ये आपकी दो सर्विस पे डिपेंडेंट है, नेट लॉग ऑन और रिमोट डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशन। अगर मान लो इन दोनों में से कोई भी एक सर्विसेज रन नहीं करेगी तो आपकी वर्क स्टेशन की सर्विसेज रन नहीं कर पाएगी, ठीक है जी। विवेक मैं आ गया, क्लियर है? तो ये वाले कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है, ठीक है। अब ये क्या कंपोनेंट यूज करती है, ये आपकी एसएमबी 2.0, देखो एसएमबी का आपका शेयरिंग प्रोटोकॉल है, सर्वर मैसेज ब्लॉक बोलते हैं इसको, जब आप शेयर करते हो कुछ भी माइक्रोसॉफ्ट में तो एसएमबी का यूज होता है उसके अंदर, एसएमबी प्रोटोकॉल आपका एसएमबी 2.0 हम यूज कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। तो ये आपकी चीजें, ये तीन कॉम्पोनेंट कह लो कि आपका ये मेंटेन कर रही है, ये तीन कॉम्पोनेंट्स के डिपेंड है, मतलब ये इन तीन कॉम्पोनेंट्स पर डिपेंड है। अगर आपका एसएमबी 2.0 नहीं चल रहा आपके सर्वर पे, एसएमबी मान लो आपने 1.0 का यूज किया होगा या 2.0 इसको एक्सपेंडेड है तो आपकी सर्विस स्टार्ट नहीं होगी। मुझे क्या करना पड़ेगा, एसएमबी 2.0 को यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम जाके चेक कर सकते हैं कि भाई इसकी डिपेंडेंसीज क्या है, ये क्यों स्टार्ट नहीं हुई,
ठीक है, हो सकता है अभी कोई उसकी जो डिपेंडेंट सर्विस है वो स्टार्ट नहीं हो, रन नहीं कर रही हो, इस वजह से वो स्टार्ट नहीं हो रही, ठीक है, तो वो सब चीज है, तो यू नीड टू चेक दिस ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये सब चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पे आप एक बार ऊपर आओगे तो आपको मैं अभी हम इसके अंदर एडी इंस्टॉल करेंगे जब आगे अपकमिंग लेक्चर्स में, ठीक है। तो हम लोग वहां पे देखेंगे कि एडी का भी आपका अलग से कंसेप्ट रहता है, ठीक है। तो एडी की भी सर्विस आपको यहाँ पे शो होने शुरू हो जाएगी, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, जब आप एडी को इंस्टॉल करोगे यहाँ पे, तो ठीक है, आगे करेंगे इन फ्यूचर में अपकमिंग लेक्चर्स में, तो आपको बताऊंगा पहले एडी के बारे में बात करेंगे, एडी होती क्या है उसके बाद, ठीक है। तो ये आपका सर्विसेज का ऑप्शन आता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने आपको मतलब मेजर मेजर टूल्स बता दिए हैं, ठीक है, जो हम लोग यूज करते हैं, ओके। तो ये क्या सारे आपके इनबिल्ट टूल्स, हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, सर्वर 2019 के इनबिल्ट टूल्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं इनबिल्ट, जो ऑटोमेटिकली सर्वर के इंस्टॉल होने पर इंस्टॉल रहते हैं, ठीक है, इनका हम यूज करते हैं, ठीक है। और आप इसको सर्वर्स को मैनेज करने के लिए भी टूल्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज और मैंने आपको आई थिंक मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, हैप्पी बर्थडे पता होगा, इसमें एक चीज होती है विंडोज एडमिन सेंटर के नाम से लिखा हुआ था, ठीक है। अभी हम जो काम कर रहे हैं वो सर्वर मैनेजर पे कर रहे हैं, वो आपका ऑफलाइन टूल है। अब मान लो अगर मुझे मैं मान लो मैं क्लाइंट पे बैठा हूँ, ठीक है, और मुझे अपने सर्वर को मैनेज करना है विद द हेल्प ऑफ क्लाइंट, तो हम क्या करते हैं विंडोज एडमिन सेंटर का भी यूज कर सकते हैं। विंडोज एडमिन सेंटर क्या आपका वेब पोर्टल है जहां से हम अपने मल्टीपल सर्वर्स को मैनेज कर सकते हैं। ये आपका इनबिल्ट टूल नहीं है, इसके लिए इसको पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट से, उसके बाद आप इसको एक्सेस कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो अगर मैं इसकी बात करूँ विंडोज एडमिन टूल्स की, तो सॉरी विंडोज एडमिन सेंटर की, तो देखो यहाँ पे आपको मैं आपको दिखाता हूँ। अब एक बार यहाँ पे जाओगे ना माइक्रोसॉफ्ट में, यहाँ पे लिखो विंडोज एडमिन सेंटर, ये देखो ये टूल, ठीक है, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का टूल है। इसके अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं, देखो अभी डाउनलोड का ऑप्शन दिखा रहा है आपको, डाउनलोड विंडोज एडमिन सेंटर। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मुझे ऑप्शन दे देगा, ठीक है। देखो ये डाउनलोड कर लिया इसको, यहाँ पे ये डाउनलोड ही कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने डाउनलोड किया हुआ ऑलरेडी। अब जो इसका वर्जन चल रहा है वो 2300 2311 चल रहा है, ठीक है। ये स्टार्ट हुआ था 1809 से, 18 मतलब 1809 उसका वर्जन था जब स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मैंने डाउनलोड किए हुए हैं मोस्टली सारे वर्जन, तो अगर मैं इसमें आता हूँ दिस पीसी में अपने, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे एक बार अच्छा चेक करते हैं, तो यहाँ पे आपको आई थिंक विंडोज एडमिन सेंटर के मिलेंगे, एक मिनट, देखो ये आपके एडिशन है, ये 1900 से स्टार्ट हुआ था, ये 1910 से, ठीक है। उसके बाद 2306 आ गया, अब जो लेटेस्ट आया हुआ वो कौन सा आया हुआ है, ये देखो ये आपका लेटेस्ट, ये आपका लेटेस्ट वर्जन है 2311, जो आपका लेटेस्ट विंडोज एडमिन सेंटर का वर्जन आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम बैठ के मतलब मैं कर सकता हूँ, मैं इस टूल को अपने सर्वर पर इंस्टॉल करूंगा, ठीक है, या अपने क्लाइंट पर इंस्टॉल कर सकता हूँ। मतलब मेरे को सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना है अपने सर्वर पर, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद में इस टूल को कहीं से बैठ के एक्सेस करना, तो आपको वेब पोर्टल दे देगा, जैसे आपका एज्योर का पोर्टल है वेब पोर्टल, वैसे हमारे यहाँ पे क्या होगा, हम इसका पोर्टल लेके कहीं से बैठ के अपने सर्वर को मैनेज कर सकते हैं। बस आपको आपके एडमिन का यूजर नेम पासवर्ड बताना चाहिए, ठीक है, हम वहां से बैठ के काम करेंगे। ठीक है, तो ऑफलाइन पॉसिबल नहीं है, ये आपका वेब पोर्टल है। अगर आपको ऑफलाइन करना तो फिर मैनेजर सर्वर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मान लो ऐसा होता है कभी कभी कि मैं अपने सर्वर पे नहीं पहुंच सकता, ठीक है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं हम लोग, वेब एडमिन विंडोज एडमिन सेंटर का यूज कर सकते हैं, या तो आप रिमोट ले लो, अगर आपको रिमोट अलाउड नहीं है सर्वर का, तो फिर आप क्या कर सकते हो विंडोज एडमिन सेंटर का यूज करके वहां से आप सर्वर्स को मैनेज, सिर्फ सर्वर्स को मैनेज नहीं कर सकते, इसके अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग, आपके वर्चुअल मशीन्स को, सर्वर्स को, स्टोरेज को, सबको मैनेज कर सकते हैं यहाँ से बैठे, ठीक है। तो ये आपको दिखाऊंगा मैं कि हम कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, सर्वर पे, ओके।
और कैसे हम क्लाइंट के थ्रू इसको मैनेज, हमें बस सिर्फ ये पोर्टल दे देता है, उस पोर्टल के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं, सिंपल एज दैट, कुछ नहीं करना उसमें हमको, ठीक है? तो वो वाला कर सकता है, ठीक है, समझ आ गया है तक? ठीक है, तो फिलहाल हम लोगों ने आज इनबिल्ट टूल्स की बात कर ली है, ठीक है? बाकी मैं कल आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, आपको विंडोज एडमिन सेंटर का, एंड देन फिर हम लोग एडी स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है? जो हमारा मेजर पार्ट होगा सर्वर में, ठीक है? चलो जी, ठीक है, ओके, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू, बाय।